कि 6 से 7 जगह झूठ बोल सकते हो। ये शास्त्र कह रहे हैं, ये सबके लिए है, 6-7 जगह झूठ बोल सकते हो। सबसे पहला झूठ कहाँ बोल सकते हो, लेकिन आपका बहुत बड़ा घाटा है, बताओ तो बता दें, लेकिन आपका घाटा हो जाएगा सच्ची माता, और इन लोगों का फायदा हो जाएगा। और मैं ये अपने पास से नहीं कह रही हूँ, स्त्री सु आप लोगों का फायदा बता दे रही हूँ, क्योंकि मैंने इनके फायदे की बहुत बात की है। जब कुछ अच्छा खाने का मन हो, कोई अच्छा शाही पनीर, खीर, पूड़ी, मालपुआ आदि, तो इनको ये बोलो सायंकाल के समय कि आपको शॉपिंग कराने ले चलेंगे, आपकी पसंद की मूवी दिखाने ले चलेंगे, बढ़िया बढ़िया भोजन बनाइए और जल्दी से तैयार हो जाइए। और जब ये शाही पनीर, पूड़ी, खीर, मालपुआ आदि बना दें, भरपेट भोजन करो, चादरा लेके सो जाओ, कोई पाप नहीं है। स्त्री सु नर्म विवाहिचा, मान लो बेटा बेटी का विवाह कर रहे हो, अब थोड़ी सुंदर कम है भाई, देखो आज का समय के हिसाब से मैं कह रही हूँ, वैसे पंच महाभूतों से सब बने, दो ही रंग होते हैं, गोरे काले, तो मेरा वो नहीं है मानना। अब जैसे सुंदर कम है तो ब्यूटी पार्लर टेंट वेंट करा लो अपना, जो भी होता हो, और दिखा दो, कह दो नेचुरल खूबसूरती है ये, तो वो थोड़ा झूठ चल जाएगा। स्त्री सु नर्म विवाहिचा वृत्यर्थे, मान लो आप जॉब कर रहे हो और वहाँ पर किसी अधिकारी का छापा पड़ गया है ना, और तुम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो, तुम्हारी उपस्थिति नहीं है वहाँ पे, तो तुम्हारी आफत आ सकती, नौकरी जा सकती है, तो कह दो कि अभी यहीं थे, बस बाथरूम गए थे, बोल दो ये बात, कुछ भी कह दो चलेगा। वृत्यर्थ भाई आजीविका का साधन बचाना है। प्राण संकटे, अगर प्राण संकट में है, किसी ने पैसा वाला जान के आपको पकड़ लिया, तो कह दो उस घर के हम बालक नहीं है, नौकर हैं, तो ये झूठ चल जाएंगे। मैंने मजाक में नहीं, सच में लिखा है, स्त्री सु नर्म विवाहिचा वृत्यर्थे प्राण संकटे। अब एक एक करके सुन लो, आप उपहास में माताओं से कोई छोटा मोटा झूठ बोल सकते हो, आप विवाह संबंध में झूठ बोल सकते हो, आप अपनी आजीविका का साधन बचाने के लिए कोई झूठ है तो आप बोल सकते हो, अगर आपके प्राण संकट में हैं तो आप झूठ बोल सकते हो, किसी ब्राह्मण देव की, किसी गौ माता के हित में आपको झूठ बोलना है तो आप झूठ बोल दो। मान लो किसी ब्राह्मण देव के प्राण संकट में हैं, किसी गौ माता के प्राण संकट में हैं, और आपको बचाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़ रहा है तो आप बोल दो, कोई पाप नहीं है। तो झूठ बोलना 6 से 7 जगह बताया है, अब लेकिन 6-7 जगह का नहीं, हमने गलत पढ़ लिया, 6-700 जगह हो जाता है, यही गड़बड़ है, तो ये नहीं करना है।